नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को रक्तदान करने के उद्देश्य से आज सदर बाजार क्षेत्र में एक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के आयोजक संजय रेखवार ने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद लेते हुए आज रक्तदान शिविर लगाया गया है। उनका मुख्य उद्देश्य पीड़ित बच्चों की मदद करना है। वहीं उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र के विधायक गोलू शुक्ला के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और मंत्री उषा ठाकुर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर लगाया गया है, ताकि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को कहीं ना कहीं लाभ मिल सके। इस दौरान कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और अपना रक्तदान किया। ये सार्वजनिक श्री रामकृष्ण मंदिर हरदोलाला की ओर से रक्तदान का आयोजन किया गया है थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए। आज माननीय विधायक महोदय गोलू जी शुक्ला एवं माननीय उषा जी दीदी का कल बर्थडे है, तो उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में जन्म उत्सव बनाने के लिए हमने ब्लड डोनेट कैंप रखा गया है। कितने रक्तदाता अभी तक 40-50 रक्तदाता होगा है, बाकी 150-200 जो भी हो जाए वो हमारा लक्ष्य है, कम से कम 100-150-200 बाटल देने का। संजय राय, एक बार लगभग उम्मीद है 400-500 लोग ब्लड डोनेशन देंगे। लगभग 75-80 लोग दे चुके हैं। हमारे बड़े भाई साहब श्री गोलू शुक्ला जी के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम रखा गया है। उषा दीदी के जन्मदिन पर रखा गया। ब्लड डोनेशन बहुत अच्छी चीज है। एक ब्लड को लगभग 4 लोगों को नई जिंदगी मिलती है, इससे आपका पूरा शरीर फिल्टर होता है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।